फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होप कि सब बढ़िया होंगे। हैप्पी जन्माष्टमी टू ऑल ऑफ यू। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं भगवान कृष्ण जी को भोग लगाए जाने वाली पंचामृत की रेसिपी। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं। इसके लिए मैंने एक बाउल में ले लिया है कच्चा दूध 1 टेबल स्पून, 1/2 टेबल स्पून पाउडर शुगर, 1/2 टेबल स्पून देसी घी, 1 टेबल स्पून शहद, मखाना 2-3, छुआरा 2-3 पीसेस, किशमिश 3 पीसेस, काजू के 2-3 पीसेस, और ये है जो सूखा नारियल होता उसका पाउडर है। अब इन सारे इंग्रेडिएंट्स को आपस में मिक्स कर रही हूँ और अब मैं इसमें गाढ़ा दही डाल रही हूँ। दही का पानी निकाल लें, उसके बाद जो गाढ़ा दही बचता है तो वही दही है। अब इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करना है, बस हल्का सा मिक्स करना है। और अब ऊपर से मैंने तुलसी के पत्ते तोड़ करके डाल दिए हैं। तो इस तरीके से हमारा ये जो भगवान कृष्ण को भोग लगाए जाने वाला पंचामृत है उसकी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो ये सारी ही चीज़ें हमारे कृष्ण भगवान जी को बेहद पसंद हैं, तो आप इस तरीके से पंचामृत की रेसिपी बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और पसंद आती है तो शेयर भी कीजिए ताकि इसका फ़ायदा दूसरे भी ले सकें। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।